चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे इन अ हर्डल रेस अ प्लेयर हैज टू क्रॉस 10 हर्डल्स, 10 हर्डल्स को क्रॉस करने वाला नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए, 10 हो गए डियर उसके बाद, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्लियर ईच हर्डल, हर हर्डल को क्रॉस करने की जो प्रोबेबिलिटी वो 5/6 है, ना करने की बस से माइनस करो तो 1/6। क्यों, अभी मैंने सक्सेस और फेलियर को नहीं लिखा, क्योंकि अभी मैं जान लूँ भैया किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ, जिसकी पूछी उसको सक्सेस मान खत्म करो। कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉक डाउन फ्यूअर देन 2 हर्डल, नॉक डाउन मतलब टकरा जाना, मतलब कि क्लियर नहीं कर पाने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, मतलब अब जो हम सक्सेस मानेंगे ना वो क्लियर नहीं करने को सक्सेस मानेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 से माइनस कर दो मतलब 1/6, और पार करने की प्रोबेबिलिटी 5/6। क्लियर है, देखो मैंने बोला इसीलिए कि पहले क्वेश्चन पढ़ लो, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी उसको सक्सेस मानो, बड़ा ही सिंपल रहता है, ठीक है सर। चलिए तो कह रहे हैं फ्यूअर देन 2 हर्डल, मतलब 2 को कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब 2 से कम वाले को वो क्लियर ना कर पाए, मतलब गिरा दिया, तो क्या होगा इसमें एक्स की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 1, दिस इज योर आंसर। 2 को नहीं लेंगे, फ्यूअर देन 2 है, 2 नहीं है, तो बस टेन सी 0 सक्सेस क्या, 1/6 की पावर 0 और 5/6 की पावर 10, क्यों 10 0 से गया तो 10 प्लस टेन सी 1/6 की पावर 1 और 5/6 की पावर 9। देखो दिल नहीं मानना है, जल्दी से ये बता दें कि सर अगर हमने उल्टा कंसीडर कर लिया, उल्टा कंसीडर कर लिया, हमने सक्सेस को फेलियर, फेलियर को सक्सेस लिया, फिर कैसे करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो आप हर्डल को क्लियर करने को ले लो, अगर आपने पी ले लिया तो ये 5/6 है, क्यू ले लिया तो 1/6 है, नंबर ऑफ ट्रायल 10। सर अब कैसे करें, अभी अभी एक बात सुनो, उसने फ्यूर देन 2 मतलब एक बार गिरा दिया होगा और 0 बार गिरा दिया होगा, जब बंदे ने एक बार गिरा दिया होगा तो सक्सेस 10 में से कितनी 9 मिली, तो x की वैल्यू 9, और जब 0 वाला कंसेप्ट है, 0 वाला कंसेप्ट एक बार भी नहीं गिरा पाया होगा तो 10 की 10 बार सक्सेस मिल गई, तो x की वैल्यू 10। देखो भैया इधर का ही समझना, इधर का लॉजिकल है, समझ आए तो अच्छी बात है, ये मैं सोना कि सर क्या हौच-पौच कर रहे, सिंपल पहले बता दी, इसीलिए आंसर आ गया सर आपका 10c9 5/6 की पावर 9 और 1/6 की पावर 1। एक बार ये करो 10c10 5/6 की पावर 10 और 1/6 की पावर 0, दोनों चेक कर लो, आंसर आपके सेम ही आएंगे। अब आप कहेंगे सर 10c0 10c10 देख लो क्या होता है, 10c9 10c1 एक ही बात, मतलब कैलकुलेशन कर लो, आंसर आपका एक ही आएगा, बट लॉजिकल था ये, सिंपल था, मेरा जो काम है यार, मन नहीं माना मैंने बता दिया, क्योंकि अब जो बच्चा देख रहा है पता नहीं वो किस लेवल का बैठा देख रहा है, तो मैं तो दोनों ही लेवल का बता दूंगा ना, कोशिश करता हूँ दोनों को हैप्पी रखने की, कोशिश है बस ये, हर आदमी कोशिश ही कर सकता है।